हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? द नंबर ऑफ वेज फाइव अल्फाबेट्स कैन बी चूजन फ्रॉम द अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स वेयर द चूजन अल्फाबेट्स आर नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट इज इक्वल टू। अब आपके पास ये मैथमेटिक्स एक वर्ड दे रखा है, इसमें जितने भी अल्फाबेट्स हैं इन अल्फाबेट्स में से एट ए टाइम आपको पांच अल्फाबेट्स चूज कर रहे हैं, और ऐसा कितने तरीके से कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये जो मैथमेटिक्स है, इनके अल्फाबेट्स अगर मैं सेपरेटली कर लूँ तो हमें पता है यहाँ पर दो एम है, दो ए है, दो टी है, और फिर हमारे पास एच है, ई है, आई सी एस, ये है टोटल अल्फाबेट्स। अब क्योंकि हमें पांच अल्फाबेट्स चूज करने हैं तो कैसे करते हैं जरा ही देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक पेयर ये है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है। मैं क्या करता हूँ, इन तीन पेयर्स में से एट ए टाइम कोई एक पेयर चूज कर लेता हूँ। तो अगर मैं ऐसा करूंगा, इन तीन पेयर में से कोई भी एक पेयर चूज कर लूंगा तो उसके अंदर मुझे दो अल्फाबेट्स मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है इसमें मैंने दो अल्फाबेट्स चूज कर लिए। अब बचे हुए कितने अल्फाबेट्स हमें चूज करने हैं, तीन। तो एक दो तीन चार पांच, पांच ये होंगे, ठीक हो गया। और क्योंकि इन तीन में से हमने एक पेयर चूज कर लिया है तो बाकी बचे दो अल्फाबेट्स, एक अल्फाबेट जो दो बच जाएंगे उनमें से एक एक अल्फाबेट हमें यहां पर मिल जाएगा। देखिए, हमने हमारे पास ये तीन पेयर में से हमने कोई भी एक पेयर चूज कर लिया, तो फिर कितने पेयर्स बच जाएंगे, दो पेयर्स बन जाएंगे। उन दोनों पेयर्स में से एक एक अल्फाबेट और यहां से पांच अल्फाबेट्स, टोटल कितने हो गए, सात अल्फाबेट्स। तो इन सात अल्फाबेट्स में से हमें बाकी बचे तीन अल्फाबेट्स को चूज करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब हमारे पास जो तीन पेयर्स हैं इन तीन पेयर्स में से एट ए टाइम हम दो पेयर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसा करने पर हमें चार अल्फाबेट्स मिल जाते हैं। अब एक पेयर बच जाएगा तो उस एक पेयर में से एक अल्फाबेट, और यहां पर टोटल कितने हैं, पांच अल्फाबेट्स, तो हमारे पास हो गए छह अल्फाबेट। इन छह अल्फाबेट्स में से आपको एट ए टाइम एक अल्फाबेट चूज करना है, ठीक हो गया। और क्या कर सकते हैं, यहां से एक अल्फाबेट ले लो, यहां से एक अल्फाबेट, यहां से एक अल्फाबेट, और पांच अल्फाबेट्स ये हो गए, तो टोटल ये एट अल्फाबेट्स हैं, इनमें से हम पांच अल्फाबेट्स चूज कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन चूज फाइव अल्फाबेट्स। अब इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां पर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा थ्री मल्टीप्लाई, इससे हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 35 मिलेगा। ऐसे ही यहां से हमें 3 मिलेगा और इससे 6 मिलेगा, और हमारे पास एट लास्ट जो ये है इससे हमें शायद 56 मिलेगा, आप चेक कर लेंगे एक बार। तो ये हो गया 105, ये 18 हो गया, ये 56 हो गया। इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 179। आप भी एक बार अपने तरीके से इसको ऐड करके देख लेंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व हो गया है।